अगर आप ऐसे नॉर्मली चेक करें तो लॉक स्क्रीन हो गया या फिर MI नोट 9 प्रो में काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं। देखिए ये एक एडवर्टीजमेंट, मैंने एक जो वॉलपेपर लगाया था वो भी नहीं आता है। 3 4 5 बार में अगर आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आता ही नहीं है। जैसे कि ये मेरा मेन वॉलपेपर है, इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी एड शो हो ही रहा है। थोड़ा सा मैं इधर करूंगा तो फिर इसमें एड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो इसे हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं, तो बस कुछ कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको और ऐसी वीडियोज मिलते रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में। ओके, ये रहा सेटिंग्स। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है पासवर्ड्स एंड सिक्योरिटी, उसके बाद यहाँ पे ऑथोराइजेशन एंड रिवोकेशन, फिर आपको इसे डिसेबल कर देना है। ओके, यहाँ पे कुछ देर आएगा, आपको 8 सेकेंड वेट करना है। ओके, अब आपको सिंपल इसे रिवोक को दबा देना है। थोड़ी देर रुक के ये देखिए रिवोक सक्सेसफुली। अब इसमें एक और मिलेगा ऑप्शन गेट एप्स, इसमें भी काफी सारे एडवर्टीजमेंट भरे हैं, इसको भी आपको सिंपल रिवोक कर देना है। तो ये देखिए सिंपल रिवोक, अब इसमें से गेट एप्स और ये दोनों रिवोक हो चुके हैं, यानी हट चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है, ये होने के बाद अब आपको जाना है सिंपल्स। ओके, तो अब बैक करके दोबारा आप सेटिंग्स में आ जाइए। उसके बाद अब आपको जाना है प्राइवेसी में, ये देखिए प्राइवेसी का ऑप्शन है। इसमें आने के बाद आपको इसमें से क्लिक करना है। ओके, तो अब आपको नॉर्मल आना है इसमें, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है यूजर। ओके, यूजर बस लिखिए, फिर आपको इसमें से क्लिक करना है इसे यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम। सिंपल इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसे ऑफ कर दीजिए। सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली, इसे भी ऑफ कर दीजिए। फिर एड सर्विसेज में जाइए, फिर इसे भी आपको हटा देना है। ओके, अब ये हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, ओके, सो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दोबारा इसमें आपको सेटिंग्स में आना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है AWPS एप्स। एप्स में आने के बाद इसमें से आपको सिंपल सिलेक्ट करना है ये वाला, फिर यहाँ पे मैनेज एप्स। मैनेज एप्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए गेट एप्स पे, इसे सिलेक्ट करिए। उसके बाद इसे क्लियर डेटा, क्लियर ऑल डेटा, ओके ओके। उसके बाद हो गया, अब आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट इसको डिसेबल कर देना है, नोटिफिकेशन को में जाना है, सब इसे आपको डिसेबल कर देना है। ओके, अब जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है नोटिफिकेशन। तो सिंपल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर थोड़ी देर वेट करिए। यहाँ पे जितने भी आपको MI के एप्स मिलेंगे जो कि डिफॉल्ट पहले से रहते हैं, उसे आपको डिसेबल करते जाना है। तो जैसे कि ये थीम्स है, ओके, ये तो डिसेबल हो चुका, और फिर लेट मी चेक और थोड़ी ना कुछ है, तो ये MI प्ले को कर देता हूँ। इसे ओके, ये तो नहीं होगा। ओके, सो अब मैंने कंप्लीट सब डिसेबल कर दिया है। ओके, सो अब आते हैं मेन चीज पे जो कि इसका हटाने वाला, जो यहाँ पे ऐड है। आपको इसके लिए सिंपल क्या करना है, आप सेटिंग्स में जाना है। हमने जो मेन जिसमें आते थे ऐड, जो नोटिफिकेशन में आते थे, जो MI के उसमें आते थे, वो सारे ऑफ कर लिए। अब बचा है सिर्फ लॉक स्क्रीन का, तो उसको ऑफ करने के लिए सिंपल आपको सेटिंग्स में आने के बाद लॉक स्क्रीन पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्लैंस फॉर MI, इसमें आना है। सिंपल आपको इसे बंद कर देना है। ओके, इसे सिंपल श्योर कर दीजिए। ओके, थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब सिर्फ जो मैंने वॉलपेपर सेट किया था वही आ रहा है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट सब चीज़ को हटा सकते हैं। प्लस अगर आपको और भी कुछ डाउट आता है तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।